अहमदाबाद में साबरमती नदी में 3 दिन पहले कूदकर खुदकुशी करने वाली 23 साल की आयशा के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने आयशा के पति को राजस्थान के पाली से गिरफ्तार कर लिया है। आयशा का पति आरिफ राजस्थान के जालौर का रहने वाला है। शनिवार को आयशा का वीडियो मैसेज वायरल हुआ था। इसके बाद गुजरात पुलिस जालौर में आरिफ के घर पहुंची तो परिवार वालों ने बताया कि वह एक शादी में गया था और वहीं से कहीं चला गया। इसके बाद मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को सोमवार रात पाली से अरेस्ट कर लिया गया। आयशा की मां की माने तो 25 फरवरी की रात दोनों में एक बार फिर झगड़ा हुआ था। पुलिस की माने तो आयशा के फोन से 70 मिनट की एक कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली है। इसके मुताबिक आयशा आरिफ से कह रही है कि मैं मर जाऊंगी और इसका वीडियो भी भेज दूंगी। इस दौरान दोनों की जो बातचीत हुई उसमें आरिफ आयशा को आत्महत्या के लिए उकसाता हुआ लग रहा है। आरिफ पर इसी आधार पर यह आरोप भी लगा है। आयशा मकरानी अहमदाबाद के वटावा इलाके में रहने वाली ये महिला अब दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने पीछे सुर्खियों और चर्चाओं का दौर छोड़कर चली गई है, जिसके बारे में सभी बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर आयशा नाम से कैंपेन चलाया जा रहा है।